नमस्कार, मैं हूँ आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज के शिक्षा संवाद के हमारे खास मेहमान हैं कॉमर्स गुरु आनंद सर। और लगातार कई छात्र छात्राएं हमें सवाल भी भेजते हैं पर्सनल, और लगातार वो शिक्षा संवाद को सराह भी रहे हैं। तो मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे शिक्षा संवाद को सराहने के लिए। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे जो स्पॉन्सर हैं मैं उनका एक बार नाम कह देना चाहूंगा, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनके सहयोग से मैं इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ। फिजिक्स अचीवर, अपेक्स इंस्टीट्यूट, अलकलम अकेडमी, कमाल क्लासेस, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, NICBA, प्रगति मैथमेटिक्स, जेट कोचिंग। मैं इन सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूं। और हमारे खास मेहमान हैं कॉमर्स गुरु आनंद सर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सर को हम सम्मानित करेंगे। द लाइव इंडिया की ओर से सर आपको सम्मानित किया जाता है। जी, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज इस लाइक हमको समझे। और चलिए सर विराजमान हो जाइए सर, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। कई छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा सर कि सबसे पहले कि आप संक्षेप में सर अपना परिचय दे दे, उसके बाद फिर सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, मेरा नाम कॉमर्स गुरु आनंद सर हुआ। भटियानी सराय मारवाड़ी कॉलेज के गेट के पास अपना क्लास चला रहा हूँ, जो ये 20 साल से चल रहा है। अभी हमारा संस्था 2001 में शुरू किए थे और आज जो है सो 2020 भी खत्म होकर 21 में शुरू हो गया। तो कहने तो मैं कई सालों से मैं इसमें मेहनत किया हूँ और मेहनत करके छात्रों को आज CA में ले गया हूँ, MBA कराया हूँ, CS किया हूँ और भी कई संस्थाएं में जुड़ा हुआ है। जैसे आर्मी में गया है, बैंक में गया है और विदेश में भी कई मैनेजर के पोस्ट पर हैं। ये सब मैंने अचीव किया है बच्चों के बीच में और अपना भी एक पहचान बनाया हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। यही सब मेरी उपलब्धि है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जैसा कि अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में छात्रों के एग्जाम होने बोर्ड के इंटरमीडिएट के, वैसे में आपके पास भी कई कॉमर्स के बच्चे थे जो इंटरमीडिएट के छात्र थे। इंटरमीडिएट के कई छात्र हमारे इस प्रोग्राम को देखते भी हैं, तो अंतिम क्षण में वो अपनी तैयारी कैसे करें, कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की तैयारी कर सकें? जी, उनको तैयारी करने के लिए सबसे पहले अभी ऑब्जेक्टिव का सिलसिला है, जो 50 नंबर सिक्योर करने के लिए उनको ऑब्जेक्टिव तैयारी करना। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा उन्हें माने याद करने का जो है सो होता है, क्या किसी बच्चे को बहुत डर होता है कि कैसे क्या याद करें, तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से 2-3 घंटे का उस समय सेट कर ले कि हमको इस सेट को तैयार करना है। और जब ऑब्जेक्टिव हो जाए तो उसके बाद किसी को वो दे और उसको दे करके उनसे ये पूछने की बात कहे कि ये क्वेश्चन हमसे पूछे और उसका हम सवाल जवाब करें। मतलब ग्रुप डिस्कशन। जी, ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। और अपने आप याद करके और अपने जैसे 2-4 घंटा रह जाने से क्या होता है कि उसका जो माइंड जो होता है उसी को थोड़ा देर के लिए उसको डाइवर्ट हो जाता है। और जब किसी से पूछताछ हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, तो उसको ये ऑब्जेक्टिव हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। उसके बाद उसको थोड़ा देर के लिए स्टॉप करके फिर नया विषय को, जैसे माने BST कर रहे थे, BST को छोड़कर आप अकाउंट पे चले जाए, अकाउंट को फिर कर ले और अकाउंट का हो जाए तो फिर थोड़ा देर बाद घूमे फिरे, कुछ नया चीज सुने, सुनने के बाद फिर 1-1.5 घंटा बाद फिर से रेनुअल हो करके अब फिर से कोई नया सब्जेक्ट लेकर के फिर याद करें और फिर वही ग्रुप डिस्कशन करें। सर, एक चीज आप भी देखते होंगे सर, जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, ये अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम है सर, कि जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, मान लीजिए एक सब्जेक्ट उठाया, मान लीजिए इकोनॉमिक्स को उठाया, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने का दिल करता है, मतलब उसको ठीक से पढ़े नहीं, दूसरे चैप्टर पे जाने का, दूसरे सब्जेक्ट पे जाने का दिल करता है। बात क्या होता है बच्चे को उस समय में, वो चाहता रहता है कि कितना जल्दी हम सब चीज को पढ़ लें। उसी जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट हुआ नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट पर दिमाग चला जाता है। तो उसको यही चीज उनको जो है सो रोकना होगा, उसको रोक के, दिमाग को रोक करके सबसे पहले एक सब्जेक्ट को पूरा कर ले और एक समय सीमित कर ले कि इस इतना समय में हमको इसको पूरा हर हाल में कर लेना है, तभी दूसरे सब्जेक्ट को देखे। नहीं तो क्या होगा, ना उनका इकोनॉमिक्स होगा, ना BST होगा, ना अकाउंट। कंप्लीट एक ही चीज को जी, एक बार एक ही चीज को कंप्लीट कर, लेकिन सर इसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट। इस बीच में एक चीज और इम्पोर्टेंस है सर, लगातार 9 महीने तक सभी शैक्षणिक संस्था बंद रहे। जी जी, बच्चों के लिए काफी कठिनाइयों का सबब रहा है। जी, ऐसे में बच्चे को आप मतलब क्या कैसे देखते हैं बच्चे को? अब जैसे 9 महीना क्लास बंद है तो बच्चे को अब ये दिमाग में सेट करना है कि एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन है। जैसे होता है कि मान लीजिए अकाउंट में, तो अकाउंट में उनको जैसे साझेदारी क्या है, एक बार उसको पढ़ ले, उसको लिख ले और एक बार ये सेट कर ले कि हमको अब इसको याद दोबारा भी नहीं करना है, बस अब ये याद कर ले और फिर दोबारा जैसे परीक्षा के टाइम में इसको देखें और फिर जो क्वेश्चन फिर तैयारी कर रहे उसको फिर उसको लिखें।
जो जिससे क्या होगा कि लिखने वक्त में 90% दिमाग काम करता है और याद करने वक्त में 10% दिमाग काम करता है, बाकी समय में क्या होता है दिमाग कहीं और भटकता रहता है, घूमता रहता है। बच्चे को ये होता है कि क्या होगा, तुरंत ये इंग्लिश का टेंशन, तुरंत ये कॉमर्स का टेंशन, बहुत तरह की बातें उसको दिमाग में आता रहता है, या कोई कुछ बोल देता है कि कम इतना समय में कैसे होगा, उन पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ उनको विषय वस्तु पर ध्यान देना है, अपने विषय वस्तु को एक सिस्टम से तैयार करना है। जैसे आज मान लीजिए हम थ्योरी का तैयारी किए, तो आज हम थ्योरी का तैयारी करें, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव आज न करें, फिर कल जो है सो थ्योरी का तैयारी करें, तो फिर थ्योरी का तैयारी करें, फिर उस दिन ऑब्जेक्टिव न करें, नहीं तो क्या होगा कि ना थ्योरी तैयारी होगा ना उसका ऑब्जेक्टिव तैयारी होगा, हाँ ना के बीच में रह जाएगा। और घबराना नहीं, वहां पर घबराने से क्या होगा कि आपका दिमाग जो है डरा जाएगा, जो भी चीज याद होगा वो भी चीज भूल जाएगा, जितना चीज याद करें हाँ हम याद कर सकते हैं, ये उनके अंदर जुनून होना चाहिए याद करने का, ये जरूरी है, तभी उनको याद होगा। इसमें एक चीज और है सर, आखिर वक्त में जी, अब आखिर वक्त में कई बच्चे टीचर से दूर हो चुके होंगे जी, जी जो गांव के होंगे वो गांव चले गए होंगे, या जिनका अदर जगह सेंटर है वो दूसरी जगह चले गए, लेकिन अब तो टीचर से दूर है, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई सवाल बनाते बनाते फंस गए, तो क्या करें बच्चे? तो अगर वो जैसे सवाल बना रहे हैं, चाहे थ्योरी याद करें चाहे ऑब्जेक्टिव उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो टीचर से उनको हमेशा कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। टीचर से कॉन्टेक्ट में क्या होता है रहने से कि टीचर भी कुछ कुछ गाइडलाइन करते रहते हैं फोन पे, और दूसरा पॉइंट है कि उन्हें भी टीचर से जरूरी बात करते रहना चाहिए, जैसे शाम में टाइम मिला 9 बजे हो चाहे 8 बजे हो रात में, एक बार जरूर फोन करके सर से डिस्कस कर लेना चाहिए, सर आज हम इतना चीज किए हैं शॉर्ट में सर थोड़ा सा सुन लीजिए, अगर वो थोड़ा मोड़ा सुनाते रहते हैं तो उनको जुनून होता है कि सर को हम सुनाते हैं तो हमको इतना चीज ठीक है, जिससे उनको क्या होता है कि याद करने का सिलसिला हमेशा बना रहता है, और नहीं तो क्या होगा सर से अगर लिंक टूटेगा तो वो समय बनाएंगे कि हम याद करेंगे लेकिन उसको याद होगा नहीं, टाइम बनाएंगे लेकिन उस समय हम याद करेंगे नहीं, कोई और काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जब सर से जुड़े रहेंगे तो उनको ये दिमाग में आएगा कि सर से हमको जुड़े हुए, सर हमको सवाल जरूर पूछेंगे शाम में, इनको एक फोर्स लगता है कि नहीं आज सर से सवाल पूछना है, पूछना है, तो ये सिलसिला उनको जुड़े रहने का होना चाहिए परीक्षा तक, अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो उनको ये चीज जो याद करने वाला सिलसिला है वो स्टॉप होता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि किसी से अगर सलाह ले रहे हैं तब आपको भय रहेगा कि उनसे हम जरूर आज बात करेंगे तो सर हमसे कुछ पूछताछ करेंगे, अगर आप उनसे दूर होते चले जाएंगे तो आपका याद करने का और उसके बाद याद के साथ साथ आपको लिखने का सब धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाएगा, यही सब कमी होता है। जो बच्चे घर चले जाते हैं तो वो क्या होता है कुछ दोस्तों के बीच में क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, या चाहे सोना है 4 घंटा एक समय बना के तो उस हो जाता 8 घंटा, उसमें उससे क्या होता है समय चला गया और पढ़ाई नहीं होता, और जो भी याद है उनका धीरे धीरे कमजोर हो जाता। सर अगर मैं बात करूं सर कॉमर्स में, अगर हम साइंस फैकल्टी पे जाते हैं तो साइंस में क्या होता है सर, फिजिक्स के अलग जगह ट्यूशन पढ़ते बच्चे, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, मैथ का अलग, लेकिन कॉमर्स में जो होता है सभी विषय एक ही टीचर से पढ़ते हैं जी, तो इस बीच में सर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है छात्रों के लिए, जिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके? अब उनके लिए तो मान लीजिए कि अभी जैसे उनको अकाउंट ऑनर्स करना है, अकाउंट ऑनर्स करना है तो उनको तो अकाउंट बीएसटी पीएस तीनों में नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि अदर सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट मार्क होना चाहिए। वैसे माने हम जब कोई भी विषय को ऑनर्स पेपर बना के चलते हैं तो उसमें हमको सबसे हाईएस्ट मार्क होना चाहिए। जैसे हम आगे जैसे हम एमबीए करने जाएंगे, जैसे हम सीए करने जाते हैं, सीए के बाद हम चाहे अदर फैक्टर में जाते हैं तो हमारा ऑनर्स पेपर सबसे ज्यादा मार्क वाला होना चाहिए। तो उसके लिए विद्यार्थी को क्या होता है कि थ्योरी को याद करे, उसको लिखे, अक्षर भी जरूरी है क्योंकि परीक्षा में अक्षर अगर नहीं रहता है तो आप जितना भी मैटर लिखते हैं उससे क्या होता है कि जब एग्जामिनर चेक करता है तो वहां पर यह देखा जाता है कि बच्चा का अगर अक्षर सही है तो नंबर अच्छा मिलता है उसे, अगर मान अच्छा मैटर लिखेगा अगर अक्षर अगर आपका सही नहीं लिखा हुआ है तो नंबर काट कर ही मिलता है। तो ये सब मायने रखता है। और अकाउंट में सबसे बेस्ट मार्क लाने के लिए आपको जैसे ऑब्जेक्टिव है पहले उसको याद कर लीजिए, फिर थ्योरी है उसको याद कर लीजिए, फिर उसको लिखिए, और लिख करके फिर एक बार दोबारा उसको रिवाइज कीजिए, और फिर जो याद कर लेते हैं उसको फिर एक सप्ताह के बाद चाहे 10 दिन के बाद चाहे 5 दिन के बाद फिर से उसको याद की हुई चीज को फिर से रिवाइज कर। लेकिन सर अंतिम समय में छात्र ज्यादा थ्योरी पे ध्यान दे या फिर ज्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान दे, ये कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट? ऑब्जेक्टिव पर तो उन्हें विशेष ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो माने एक अगर सही हुआ तो
पूरा मार्क मिला। तो सर ऑब्जेक्टिव भी तो सब्जेक्टिव से ही निकलता है ना सर। तो ऑब्जेक्टिव से सही निकलता है, लेकिन कोई कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो अलग से ही बना, डायरेक्ट बना हुआ है, तो थ्योरी से उसका कंसल्ट नहीं होता है। तो वो मान लीजिए अगर गलत अगर ऑप्शन अगर कलर कर दिए तो उसको पूरे के पूरे नंबर चले जाते हैं। थ्योरी में नियम है कि अगर आप कुछ सोच समझ के अगर सही से लिख देते हैं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर और 4 नंबर जरूर मिलता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नियम नहीं है, अगर आप गलत में कलर किए तो पूरे के नंबर पूरे आपका चला जाता है। इसलिए वहां पर ध्यान रखना पड़ता है कि आप ऑब्जेक्टिव को पूरे चारों ऑप्शन को सही से पढ़ के समझ के सोच के तब ही कलर। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जी, बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो कितना कारगर साबित है, कितना? जैसे बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है तो सब कुछ तो मैटर वही रहता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं तो उसी सिलेबस से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड जैसे क्वेश्चन पूछती है तो उसी हिसाब से हम लोग भी तैयारी कराते हैं। तो सब अपने अपने तरीका से सेटिंग करके चलते हैं कि हमारे बच्चे को कम से कम मैटर में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए। और बिहार बोर्ड में क्या है कि कुछ क्वेश्चन इतने दे दिए गए हैं कि बच्चे पूरे के पूरे नहीं पढ़ पाते, जिसके वजह से उनका क्या होता है कि कुछ चैप्टर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन उसका क्वेश्चन जो है सो छूट जाता है। कभी कभी किसी को देखते हैं 50 में 40 नंबर आया, किसी को 45 नंबर आया, किसी को 50 में 50 दिया जाता है, किसी को यहाँ तक 35 नंबर दिया जाता है। तो इसी हिसाब से कमजोर पड़ जाता है कोई चैप्टर, जिसके वजह से उसका नंबर कम हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव बेस पे क्या कहते हैं, तो उससे भी सर एक ये भी फायदा है ना सर कि बच्चों को एक साथ 3 घंटे बैठकर किसी सवाल को या मॉडल पेपर को बनाने से एक ये भी फायदा है कि अगर बच्चे बैठते हैं तो 3 घंटा बैठने का सबसे पहली बात प्रैक्टिस होगी, और 3 घंटे में सवाल को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी। तो ये चीज भी एक फायदा है बच्चों के। जी बहुत फायदा है। अब वहाँ पर एक चीज और भी है कि जैसे मान लीजिए कि टीचर जो पढ़ाते हैं तो उसको सिस्टमैटिक जितना जरूर है उतना ही मैटर देते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। और गेस पेपर में क्या होता है कि लैंग्वेज बहुत लंबा चौड़ा दिया रहता है तो बच्चे को उनका लैंग्वेज याद नहीं होता गेस पेपर का, लेकिन टीचर जो बताते हैं तो वो तो एकदम सटीक जितना बच्चा जरूर उतना ही लैंग्वेज बताते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा याद होता है। अकाउंट में सर छात्रों के लिए कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? अकाउंट में हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहता है, हर चैप्टर से 2 नंबर 3 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि अब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो हर चैप्टर से उनका ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग जैसे तैयारी करवाए हैं, जैसे बुक है तो बुक को जैसे पढ़ाएं तो जिस चैप्टर को पढ़ाएं उस चैप्टर के पीछे में भी कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो उनको भी तैयारी करा दिए हैं हर चैप्टर से किताब के, फिर उसका मॉडल पेपर से तैयारी किए हैं, फिर अपना ऑब्जेक्टिव दिए हैं 150 पौने 200 उससे भी तैयारी करा दिए हैं, तो उनको भी देखना है, फिर जो मॉडल पेपर सब है उनको भी देखना है, और उसका बुक से जो दिया गया उसको भी देखना है। इससे क्या होता है अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव देखने से उनका जो अंदर का भय खत्म हो जाता है और उनको याद करने में भी आसानी हो जाता है, और उनके ये डिसीजन लेने में हो जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है कौन सा ऑब्जेक्टिव गलत है। जैसे हम कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन में बच्चे अधिक से अधिक सेट तोड़ते हैं, जिसके वजह से कहीं से भी ऑल इंडिया से ऑब्जेक्टिव होता है तो उसको तोड़ लेता है, तो बच्चे को एक ही मॉडल पेपर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उनको हर तरह के जो ऑब्जेक्टिव का साधन है उसको हर चीज को देखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनके अंदर जो ऑब्जेक्टिव नहीं याद होने का जो भय है उसको ज्यादा से ज्यादा याद किया, याद किए हुए चीज को बार बार देखेगा, इसमें भी वही चीज है उसमें भी वही चीज है तो उसको ज्यादा से ज्यादा याद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। मैं फिर एक बार जाते जाते जो हमारे स्पॉन्सर है जिनकी वजह से मैं ये खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद को करवा पा रहा हूँ, फिजिक्स अचीवर, एपिक्स एपेक्स इंस्टीट्यूट, अलकलम एकेडमी, कमाल क्लासेस, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, NICBA, प्रगति मैथमेटिक्स, जेट कोचिंग, मैं इन सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ। सर आखिर में आपसे यही मैं पूछूंगा, आखिर में छात्रों को और पेरेंट्स को जो भी हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे जो अभी मान लीजिए कि यहाँ से टीचर से यानी आशीर्वाद लेकर के तैयारी करके जो घर गए हैं तो उनके साथ हमेशा रूबरू होते रहे, वो रात में कितना घंटा पढ़ा, दिन में कितना घंटा पढ़ा, कहाँ जा रहा है, कितने देर में वह आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है कि नहीं, कि मोबाइल पे लगा हुआ है, मोबाइल पे भी क्या मैटर देख रहा है, इसी सब पर क्लियर करना है। ये 10 दिन 15 दिन बचे हुए हैं, इसमें उनको यही चीज देखना है कि घर पे वो रात में कितना घंटा पढ़ रहा है और दिन में कितना घंटा, उसको कितना बार लिख रहे हैं, अगर वो लिख रहे हैं तो कितना पेज लिख रहे हैं, ये सब पर उनको क्लियर करना है।
जिससे क्या होगा कि परीक्षा में क्वेश्चन उनको छूटे नहीं। कुछ बच्चे का क्या होता है, क्वेश्चन आ रहा है लेकिन वह स्पीड नहीं लिखने के कारण उनका क्वेश्चन छूट जाता है, जिसकी वजह से भी नंबर कम हो जाता है। और भी कई कारण है, जैसे मान लीजिए कि वो समय बनाता है कि रात में पढ़ लेंगे, वो रात में समय कुछ कारण से बहाना बना के नहीं पढ़ पाता, फिर सोचता है कि हम दिन में पढ़ लेंगे, फिर वो दिन में नहीं पढ़ता है। इसके वजह से उनका समय दिन प्रतिदिन बीतता चला जाता है। और जब परीक्षा का टाइम आता है तब उन्हें के जब क्वेश्चन देखता है तो पता है कि हमको तो याद नहीं है, जिसके वजह से उनका कई बार तबियत भी खराब हो जाता है, बहुत तरह के उनके शरीर में प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो ये सब को देखते हुए उन्हें दिन प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 घंटा सुबह और शाम मिला करके 8 घंटा का ड्यूटी अभी के समय में जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाइए, सर्च करिए द लाइव इंडिया और वहां हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको Instagram पे भी मिल जाएंगे और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट कर करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।